एम्पियर सर्कल सर्किटल लॉ का क्वेश्चन है कि सपोज आपके पास ये एक वायर है, इस वायर के अंदर टोटल करंट 3 एम्पियर है, इस वायर का रेडियस 5 सेंटीमीटर है। आपको बी निकालना है, कहाँ निकालना है? आपको बी निकालना है इनसाइड अ वायर। तो वायर के अंदर आपको बी निकालना है एट अ डिस्टेंस ऑफ कितना, 2 सेंटीमीटर। तो पहला तरीका शॉर्टकट, किसी भी वायर के इनसाइड बी का फॉर्मूला भी आपने फॉर्मूला रजिस्टर में लिखा था तो वो लगा लेना। तो बी का फॉर्मूला म्यू नॉट बाय 4 पाई, वो स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर भी किया था, वो लगा के स्मॉल आर पता है कैपिटल आर पता है आंसर आ जाएगा। चलो मान लो कि आप फॉर्मूला भूल गए, हो जाता है, होता रहता है, आप अपने टेस्ट में तो पक्का भूल जाओगे, तो कोई बात नहीं, जहाँ आपको बी निकालना है वहाँ पर ड्रॉ करें क्लोज्ड पाथ। तो 2 सेंटीमीटर पे क्लोज्ड पाथ ड्रॉ कर दें, इस क्लोज्ड पाथ में बी डॉट डी एल क्या होगा, बी इंटू 2 पाई आर, और आर क्या होगा 2 सेंटीमीटर। तो बी इंटू 2 पाई इंटू 2 म्यू नॉट टाइम्स कितना करंट 2 सेंटीमीटर में पास हो रहा है, ये शेडेड करंट जो पेंसिल से शेड किया हुआ वो निकालना पड़ेगा। और वो निकालने का तरीका क्या है, अगर ये पूरी वायर है जिसका रेडियस आर है या जिसका एरिया पाई इंटू 5 स्क्वायर है, उसमें तो 3 एम्पियर करंट है, ये रहा एक्चुअल करंट ये रहा, और ए के लिए इतना करंट है, और पाई इंटू 2 स्क्वायर क्योंकि हम इंटरेस्टेड है 2 सेंटीमीटर के करंट में, तो इतने एरिया में इतना करंट है। ये करंट को उठा के यहाँ पे पुट कर देना, सॉल्व कर लेना, बी की वैल्यू आ जाएगी। रिकमेंडेड ये है आप फॉर्मूला याद कर लें, रिकमेंडेड है आप फॉर्मूला ही यूज़ करें, क्योंकि ये डेरिवेशन करने का कोई मतलब नहीं है, आप फॉर्मूला यूज़ करें, बी के अंदर स्मॉल आर कैपिटल आर पुट कर आंसर आएगा। हाँ अगर भूल जाएं तो मैंने साथ में लिख दिया, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? उसी तरीके से अगर आपको आउटसाइड निकालना है, 5 सेंटीमीटर की वायर है, 3 एम्पियर का करंट है, आपको बी कहाँ निकालना है, अब बाहर निकालना है एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर, क्या फॉर्मूला लगेगा इनफाइनाइट वायर का? फॉर्मूला भी लिखवाया था, अगर एक थिक वायर के बाहर बी निकालना है तो इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला लगा लेना, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई बाय आर, और आर की जगह 7 सेंटीमीटर पुट कर लेना, एक लाइन में आंसर आएगा। रिकमेंडेड है फॉर्मूला यूज करें इनफाइनाइट वायर का। चलो भूल गए, कंफ्यूज हो गए, तो फिर 7 सेंटीमीटर पे क्लोज पाथ बना लें, बी इंटू 2 पाई आर, आर की जगह 7 सेंटीमीटर, म्यू नॉट टाइम्स कितना करंट 7 सेंटीमीटर के अंदर पास हो रहा है, पूरे का पूरा 3 एम्पियर पास हो रहा है, इंटू 3, बी की वैल्यू आ जाएगी। वैसे तो इनफाइनाइट का फॉर्मूला यूज करोगे ज़्यादा सुखी रहोगे। तो वायर के इनसाइड भी निकालना आता है, वायर के आउटसाइड भी निकालना आता है, दोनों फॉर्मूलाज क्लियर है। सपोज करो ये एक वायर है, अब वो ये कैसी वायर है, ये ऐसी वायर है कि जिसमें करंट दो टाइप के करंट है, लेकिन दो टाइप के करंट से भी पहले आप एक ना पॉइंट को समझें और एक और शॉर्टकट लिख लें, आपने फॉर्मूला रजिस्टर के अंदर शॉर्टकट लिखें, ये बनाएं। सपोज ये करंट कैरिंग वायर है जिसमें 3 वायर्स हैं, बनाएं 3 वायर्स हैं, 2 एम्पियर करंट है, 3 एम्पियर करंट है और 1 एम्पियर करंट है, और ये जो है ये क्या है, एक क्लोज्ड पाथ है, ठीक। और आपको ऑब्जेक्टिव आएगा इसका बी डॉट डी एल निकाल लें, तो एम्पियर सर्किटल लॉ से म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट, अब टोटल करंट में 2 करंट तो ऊपर जा रहे हैं और 1 करंट नीचे आ रहा है, जो नीचे आ रहा है करंट उसका नेगेटिव लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि ऊपर जाती हुई वायर्स करंट अगर मैग्नेटिक फील्ड राइट प्रोड्यूस कर रही है तो नीचे जाती हुई करंट कैरिंग वायर लेफ्ट प्रोड्यूस करेंगे, बी कम हो जाएगा, इसलिए एम्पियर सर्किटल लॉ में प्लस और माइनस लगेगा। तो जो वायर्स ऊपर जा रही हैं, जो नीचे जा रही हैं, बड़े करंट में से छोटा करंट माइनस करना है, मैग्नीट्यूड लेना है, नेगेटिव नहीं आएगा कभी भी, आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा। तो समझ में आ रहा है ये रिजल्ट, तो ये नोट कर लेना अपने फॉर्मूला रजिस्टर के अंदर, अगर बहुत सारी वायर्स हैं, करंट ऊपर नीचे है, तो ऊपर और नीचे के करंट माइनस करने पड़ेंगे। ये आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मेंस नीट में ऐसा आता है, लगाना आएगा ये, गॉस थ्योरम में तो आती थी लगाने प्लस माइनस चार्जेस के साथ, ये भी आता है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्लियर है यहाँ तक? तो जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ तो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, चलो कर लो कोई बात नहीं, जहाँ कर रहे हो तो ठीक है, करें स्टार्ट। तो मेरे जो मैंने क्वेश्चन पूछा वो ऐसा क्वेश्चन है
कि सच दैट आपके पास एक तो वायर ये रही, ये मैं डायग्राम अलग से बना रहा हूँ, ये तो एक वायर है जिसका रेडियस ए है, इसका रेडियस ए है और इसके अंदर आई अमाउंट ऑफ करंट है, तो इसमें करंट कितना है, आई अमाउंट ऑफ करंट है, मैं शेड कर रहा हूँ, ये शेडेड रीजन में आई अमाउंट ऑफ करंट बाहर निकल रहा है, ये पहला केस है। इट इज सराउंडेड बाय अदर वायर, इसके आसपास एक और वायर है, ये रे लॉन्ग इनफाइनाइट वायर्स हैं, सच दैट ये देख रहे हो जो मैं शेड कर रहा हूं, ये लो, इसके अंदर जो करंट है, ये लो, इसके अंदर जो करंट की वैल्यू है वो कैसी है, वो ऐसी है, इसमें आई डैश करंट नीचे जा रहा है, ऐसे है, तो करंट समझ में आ रहे हैं यहां पर, तो इसमें पोर्शन में करंट ऊपर आ रहा है और इस ब्लैक पोर्शन में नीचे, इसमें कुछ नहीं हवा है, कुछ नहीं, खाली है, ठीक, केस क्लियर है। इसके अंदर जो रेडियस है वो ऐसे गिवन है, जो तो ये रेडियस है वो तो ए गिवन है, जो ये रेडियस है ये बी गिवन है और जो बाहर का रेडियस है वो सी गिवन है, ए बी सी, तो क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन देखने में कैसा है, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहाँ तक। तो अब इसके अंदर मुझे पहला केस है स्मॉल आर लेस देन ए पे बी निकालना है। अब लेस देन ए का मतलब क्या हुआ, लेस देन ए का मतलब है कि ये अगर आपके पास ये एक वायर है ए रेडियस की और आपको स्मॉल आर डिस्टेंस पे बी निकालना है तो टेक अ क्लोज्ड पाथ, ये रहा। मैं रिकमेंड करता हूं आप शॉर्टकट लगा दें, क्योंकि एक वायर है जिसमें आई अमाउंट ऑफ करंट है, उसका रेडियस ए है और आप इस वायर के इनसाइड स्मॉल आर डिस्टेंस पे बी निकाल रहे हैं, तो इनसाइड का फॉर्मूला लगा दें सीधा। आप चेक करें फॉर्मूला रजिस्टर में, इनसाइड का क्या फॉर्मूला था, म्यू नॉट आई स्मॉल आर 2 पाई कैपिटल आर का मतलब ए का स्क्वायर, आप चेक कर लें, आपका क्वेश्चन ये बन गया ना, आपका क्वेश्चन आप कंफ्यूज ना हो, आप सिंपल ये कुछ मत करें प्रूफ, आप सिंपल ये देखें कि आपको क्वेश्चन में ये एक वायर गिवन थी जिसके अंदर आई अमाउंट ऑफ करंट ऐसे है, इसके अंदर आपको स्मॉल आर डिस्टेंस दूर, स्मॉल आर डिस्टेंस दूर बी निकालना है और इसका खुद का रेडियस क्या है, ए, तो हमने एक वायर के अंदर बी निकालना सीखा, ये ना। अब एक स्टूडेंट बोला कि सर इसके बाहर भी तो करंट था, वो तो लिया ही नहीं, मैंने कहा बाहर छोड़ फिर तो मेरे कमरे के अंदर भी यहाँ भी करंट है वो भी ले ले, फिर तो पूरी दुनिया का करंट भी ले ले, तो फिर तो यानी कि गॉस थ्योरम जब लगती थी, गॉस थ्योरम कहता था मेरे गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज लेना, तुम बाहर लेने बैठोगे फिर तो दुनिया का सारा चार्ज ले लोगे, तो आप एम्पियर सर्कल लॉ के क्लोज्ड पाथ के अंदर का चार्ज लोगे, तो आपको बाहर कितना करंट गिवन है वो मैटर नहीं करता, आपकी जो वायर है सिर्फ अंदर की वायर पे क्वेश्चन है, तो अंदर की वायर पे अपना फॉर्मूला लगाएं, आंसर आ जाएगा, कोई डाउट इसमें, तो समझ में आ रहा है यहाँ तक, बाहर की वायर मैटर नहीं कर रही इसमें। अब आपको क्वेश्चन में क्वेश्चन चेंज कर दिया, क्वेश्चन है कि स्मॉल आर ग्रेटर देन ए लेस देन बी, मतलब कि ग्रेटर देन ए का मतलब ए से बड़ा और इस बी से छोटा, ये पॉइंट है, आपको यहाँ पे क्या निकालना है, बी निकालना है। आप बिल्कुल भी ये कोई रिजल्ट यूज ना करें, सिंपल ऐसे समझें कि आपके पास ये ए रेडियस की वायर है, पहले ये देखो आई करंट है, आपको अब यहाँ पे स्मॉल आर डिस्टेंस दूर बी निकालना है, इनफाइनाइट वायर का रिजल्ट कर देना, एक वायर के बाहर बी निकालना आपको आता ही है, म्यू नॉट बाय 4π2i/r इज द आंसर, कुछ करना ही नहीं है आपको, इसके बाहर की वायर चाहिए ही नहीं क्योंकि उसके बाहर क्या हो रहा है मुझे क्या लेना देना, मेरा क्वेश्चन तो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो ये स्टेप भी क्लियर है। हाँ अगर भूल जाएं, चलो भूल गए नहीं याद आया कोई बात नहीं, फिर स्मॉल आर डिस्टेंस पे क्लोज पाथ ले लें, स्मॉल आर डिस्टेंस में बी इंटू 2π r ले लें, म्यू नॉट इंटू इस पेंसिल वाले डॉटेड लाइन के अंदर कितना करंट है, आई करंट है, आई डैश तो बाहर चला गया, आई कर दें आंसर आ जाएगा, जैसे मर्जी कर लें, मैं रिकमेंड करता हूँ फॉर्मूला लगा लें, फॉर्मूला लगाएंगे एक लाइन में आंसर मार्क कर ले आना, देखो ऑब्जेक्टिव है, एनसीईआरटी के अंदर आना नहीं है, एनसीईआरटी में ग्राफ आना है, वो जो स्ट्रेट लाइन और ये वाला ग्राफ करवाया था वो ग्राफ आना है, बहुत ये वाला क्वेश्चन नहीं आना एनसीईआरटी में, मेंस में आ जाए नीट में आ जाए मैं कह नहीं सकता, इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे करना है। लास्ट है, अब आपको
अपना आंसर निकालना है स्मॉल आर ग्रेटर देन बी और लेस देन ए पे। अब आपको आंसर निकालना है, ये लो आपको आंसर निकालना है स्मॉल आर ग्रेटर देन बी, ये रहा, और लेस देन सी, ये बी है ये सी है, तो यहां पे कहीं निकालना है, तो ये मैंने कंसिडर कर लिया एक क्लोज्ड पाथ, सही है, तो ये क्लोज पाथ हो गया। मुझे यहां पे क्या निकालना है, बी निकालना है, जहां बी निकालना है क्लोज पाथ ले लेते हैं। तो इसमें स्मॉल आर रेडियस है तो क्या बनेगा, बी इंटू टू पाई आर, बी डॉट डीएल क्या देगा, बी इंटू टू पाई आर, क्योंकि इसका खुद का रेडियस क्या है आर, तो बी इंटू टू पाई आर इज म्यू नॉट टाइम्स ये जो वायर देख रहे हो। अब क्योंकि ये जो क्लोज्ड पाथ है इसके अंदर का करंट लेना है, इसके अंदर एक तो ये वाला करंट देख रहा हूं मैं, इसके अंदर एक तो ये भी करंट आएगा और इसके अंदर ये भी करंट आएगा जो मैं शेड कर रहा हूं, ये पॉइंट समझ में आ रहा है, क्योंकि बाहर वाला नहीं आएगा सिर्फ अंदर वाला। तो क्लोज्ड पाथ के अंदर अंदर अगर आप ध्यान से देखें, क्लोज्ड पाथ के इनसाइड इनसाइड ये पूरा करंट आएगा जो मैंने शेड किया, कोई डाउट इसमें, तो क्लोज्ड पाथ ये रहा, इस क्लोज पाथ के अंदर ये करंट भी आएगा और ये करंट भी आएगा, राइट। ये जो करंट है रेड वाला वो तो आई वन है, वो तो अंदर जा रहा है, और ये वाला करंट बाहर आ रहा है आई, तो क्या करेंगे आई माइनस आई वन, ये करंट बाहर जा रहा है आई और इसमें रेड वाले में करंट अंदर आ रहा है आई वन, क्लियर है। अगर मैं आई वन निकाल दूं आंसर आ जाएगा। अब आई वन का मतलब ये शेडेड करंट मेरे को गिवन है, ये पूरे का पूरा करंट मुझे पता है कितना है इस पूरी वायर में, इस पूरी वायर में कितना गिवन है आई डैश, ये करंट क्वेश्चन में गिवन था कितना आई डैश। अब मैं काम करूंगा इस पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना है, पाई इंटू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आउटर रेडियस सी है इनर रेडियस बी है, तो इस एरिया में करंट कितना जा रहा है नीचे आई डैश, वन में कितना जाएगा आई डिवाइडेड बाई पाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हम इंटरेस्टेड इतने एरिया में है, ये आउटर रेडियस क्या है आर, इनर रेडियस क्या है बी, तो एरिया क्या बनेगा पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो करंट क्या आएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये क्या आएगा आई वन, इस आई वन को पुट करके बी निकाल लेना आंसर, ऑब्जेक्टिव मार्क कर लेना, बहुत बड़ा आंसर आने वाला है।